हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, अभी जैसा कि आपको दिखाई पड़ा होगा, मैं सो के उठा हूँ और अभी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है। एक्चुअल तबीयत क्या था कि हमने जो नवरात्रे में पहला व्रत रखा था नवरात्रे का, तो उस टाइम हमने कुछ ऐसा खा लिया जिसकी वजह से हमारी तबीयत हो गई ख़राब। पूरी फैमिली की तबीयत ख़राब हो गई जिस जिसने व्रत रखा था। तो अभी हालत हमारी ठीक नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल सही सारा डल हो चुका है। पता नहीं क्या था, ऐसा क्या खाया हम लोगों ने। खैर कोई बात नहीं, अभी दो दिन हो गए हमें रिकवर करने में, उसको अभी रिकवर कर लिया है हमने। तो अभी अजीब सी हालत हो रखी है, मतलब समझ नहीं आ रहा, अजीब थकान सी है, शरीर टूटा टूटा सा हो रखा है। लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, वो रिकवर हो जाएगा धीरे धीरे। और मेरे को बड़ा अजीब सा भी लग रहा है, बाल वाल जो है बड़े बड़े हो रखे हैं। तो मैंने सोचा है बाल कटा दूंगा, तो अपने बालों को बिल्कुल छोटा छोटा करा दूंगा, बिल्कुल छोटा छोटा। मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल गर्मी आ चुकी है और बिल्कुल बाल छोटे छोटे करा देता हूँ। वैसे मैं छोटे बाल रखता नहीं हूँ जल्दी, लेकिन इस बार जो है ना बहुत छोटे छोटे करा दूंगा। अभी आप देखोगे वीडियो में ना, अभी थोड़ी देर में जा रहा हूँ मैं अपनी कटिंग कराने के लिए, हेयर कटिंग, उसमें देखोगे बिल्कुल छोटे छोटे करा दूंगा। तो चलो अभी अपने दिन की शुरुआत करते हैं उसी तरीके से, गर्म पानी के साथ में, और फिर चाय वाय पीते हैं और फिर हेयर कटिंग कराते हैं, फिर चलते हैं उसके बाद में अपने ऑफिस के लिए। तो दोस्तों अभी जा रहा था मैं कटिंग कराने के लिए, तो मुझे याद आया शेविंग भी करानी है। और जब शेविंग और कटिंग कराते हैं तो 100 रुपये लेते हैं, और वैसे जो कटिंग के 60 रुपये लेते हैं। तो मैं सोचा 40 रुपये बचा लेता हूँ और शेविंग अपने आप ही अपने घर पर कर लेता हूँ। तो चलिए अभी 40 रुपये को बचाते हैं और शेविंग अपने आप अपने घर पर कर लेते हैं। तो चलो शेविंग करता हूँ। फाइनली दोस्तों मैंने अपनी शेविंग कर ली है और देख रहे होंगे ये बिल्कुल एकदम क्लीन कर लिया है, और मैंने 40 रुपये अपने बचा लिए आज। तो अभी जाऊंगा कटिंग कराऊंगा खाली। तो अभी उससे पहले चाय वाय पी लेते हैं, चाय बन ली है, फिर उसके बाद मैं कटिंग कराने जाता हूँ। तो दोस्तों ये आ चुकी है अपनी चाय और अपने पार्ले जी बिस्किट, खाते हैं इसे मस्त, फिर उसके बाद में निकलते हैं यहाँ से। दोस्तों अभी चाय वाय पी लिए मैंने और अब चलते हैं अपनी कटिंग कराने के लिए। मैं कुछ छोटे छोटे आज बाल करा दूंगा, चलिए चलते हैं। ये आ गए हम हेयर कटिंग कराने के लिए। बिल्कुल छोटे छोटे करते हैं, बच्चे के लिए भी ना भी वैसे अभी जो आया था बैठने का, इनसे बैठने का हाँ। तो फाइनली दोस्तों देखो मैंने बाल ये कटा दिए, छोटे छोटे कर दिए बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको कहा था। अभी देख रहे हो बिल्कुल साइडों से भी बिल्कुल छोटे छोटे करवा दिए मैंने। तो कुल मिला के आप देख ही रहे हो कैसा लग रहा है, टपला सा लग रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। अभी इस पे ना ये सफेद सफेद हो रहे हैं, इनको काला भी कर लेता हूँ, अभी इन पे कलर लगा लेता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने अपने बालों पे कलर वाला लगा लिया है, अभी देख लो कैसे हो गए, मस्त लग रहे हैं। और ऑफिस के लिए तैयार हो रहा हूँ अब, लेकिन उससे पहले अभी खाना खाना है, फिर उसके बाद मैं ऑफिस में निकलूंगा। एक क्लाइंट से ऑफिस में क्या निकलना है, क्लाइंट से मिलने जाना है। तो अभी यहाँ से बिल्कुल तैयार हो चुका हूँ और अब निकलता हूँ। तो दोस्तों फाइनली अभी मैं आ चुका हूँ घर पे और शाम हो चुकी है, ऑफिस गया था तो आज वहाँ बाहर कोई वीडियो बनाई नहीं मैंने। तो अभी घर पर आ चुके हैं और घर पर आने के बाद में अभी जाना है कहीं बाहर कुछ सामान वामान लेने के लिए। तो चलो अभी हम निकलते हैं मार्केट के लिए। दोस्तों अभी आ चुके हैं मार्केट में, कुछ सामान वगैरह खरीदना है उसके लिए। तो अभी मार्केट आए हैं, अभी परचेजिंग करते हैं, कुछ बच्चे के लिए वो लेना है, क्या लेना है, सिलेबस सैंपल पेपर।
तो फाइनली पहुंच चुके हैं दुकान पे, यहाँ लगी हुई भीड़, यहाँ सामान खरीदना है, तो ये चली गई है पता करने के लिए। तब नहीं है, है? यहाँ तो मिला नहीं है दोस्तों, चलो आगे दुकान पे चलते हैं। तो ये दुकान और है, यहाँ भी पता करते हैं है या नहीं है। तो अभी इस दुकान पे भी हम गए थे, वहाँ भी नहीं मिला जो सामान हमें लेना था। चलो अब स्कूल के पास चलते हैं, स्कूल के पास हो सकता है मिल जाए। फाइनली आ चुके हैं हम दुकान पर और जा रहे हैं अभी खरीदने के लिए, अगर यहाँ मिल जाएगा तो पता कर लो। अंकल ये हिंदी का सैंपल पेपर है, कहाँ मिलेगा कुछ आइडिया? लास्ट में राकेश वाले पे, राकेश वाले पे लास्ट में दुकान है। चलो दोस्तों यहाँ पे भी नहीं मिला, लेकिन उन्होंने अलग बता दिया है कहीं पे कि वहाँ पे जाके आप पता कर लो, वहाँ मिल जाएगा। चलिए वहाँ पे चलते हैं। नहीं तो फाइनली दोस्तों यहाँ भी नहीं मिला, तो यहाँ से भी चल रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे आए थे, तो यहाँ पे आके भूख लग गई हल्की सी, तो हमने क्या करा पनीर पेटीज ले लिए और पनीर पेटीज खा रहे हैं अभी। तो चलो पनीर पेटीज खाते हैं, और कुछ तो यहाँ मिला नहीं हमें। पनीर मैं आलू पेटीज खा रहा हूँ, पनीर पेटीज खा रही हैं। तो अभी हमारे पास एक आलू पेटीज है, एक पनीर पेटीज है, तो पनीर पेटीज इन्होंने ले लिए और आलू पेटीज रखी हुई है, तो मैं खाता हूँ। दो तीन है। चलो जी यहाँ पे हमें वो बुक शॉप दिखाई पड़ गई है जहाँ से हमें सामान मिल सकता है, तो चलो चलते हैं। कर लो पता कर लो। तो फाइनली दोस्तों हमें वो मिल गया जो हमें चाहिए था, और ये हम खरीद के लिए आए हैं। तो इसी के लिए हम काफ़ी देर से ढूंढ रहे थे, और अब जाके मिला ये काफ़ी ढूंढने के बाद। चलो अब ले लिया है हमने, तो अब चलते हैं घर। तो फाइनली दोस्तों हम आ गए थे घर के पास में, इतने में याद आया कि अंकित के लिए भी मोमोज लेने हैं, तो अभी उसके लिए हम मोमोज बनवा रहे हैं फ्राइज करवा के। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं घर, और घर पहुँच चुके हैं। चलो अब करते हैं डिनर की तैयारी, काफ़ी टाइम हो गया, बज गए 8:30, 7 बजे गए थे और 8:30 बज चुके हैं, तो चलो अभी डिनर की तैयारी करते हैं। दोस्तों हम ले आए थे बच्चों के लिए मोमोज, फ्राइड मोमोज, तो ये है मोमोज, और आज इन मोमोज को खाते हैं। कैसे हो रहे हैं जरा मैं भी टेस्ट करके देखता हूँ। इसमें मेयोनी डाल रखी है और चटनी डाल रखी है, से टेस्ट करते हैं। सही हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं प्रियंशु, अंकित बढ़िया हो रहे हैं। दोस्तों हमारा फाइनली हो चुका है डिनर तैयार, और ये करने जा रहे हैं यहीं पे डिनर हम, और ये हमारा पानी है, और इसमें हमारी सब्जी है और रोटी और राजमा। तो अभी हम खाएंगे रोटी राजमा और आलू की सब्जी और साथ में रायता, तो चलो अपना डिनर करते हैं मस्त। तो दोस्तों फाइनली आ गया है मेरा ये डिनर, और करते हैं इसमें है आज सब्जी, रायता और रोटी। तो दोस्तों मैंने अपना डिनर कर लिया है कंप्लीट, और अब रात के बज गए हैं 10:30, और अब सोने का हो रहा है टाइम, आज जल्दी सो जाते हैं, आज कुछ खास काम नहीं है तो सोएंगे, लेकिन उससे पहले अपने वीडियो की एडिटिंग करेंगे। तो चलिए अभी अपने वीडियो की एडिटिंग करते हैं, सुबह फिर आपसे मिलेंगे। लेकिन उससे पहले फिर वही बात कहूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास तक पहुंचे। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच, कल सुबह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड नाइट।